Hello everyone, today we will do unit 5 reproduction, जिसके अंदर हम उसका chapter 1 include करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे the unit, जो unit 4 है उसके अंदर 4 chapters हैं. These are chapters in the unit 4, reproduction in organisms, sexual reproduction in flowering plants, human reproductions and reproductive health. And now we will study about reproduction in organisms chapter in this video. So let's get started. Before starting, there is a scientist which is given on the front page. It is Panchanan Maheshwari, and he worked for embryological aspects and popularized the use of embryological characters in taxonomy. So अगर कभी कभी ये questions पूछ लिए जाते हैं तो make sure कि आप इन scientist जो भी आपकी NCERT book के अंदर दिए गए हैं, हर एक chapter से पहले एक scientist का name दिया गया है, उनके बारे में कुछ बताया गया है, तो आप उन्हें याद कर लीजिए. तो इन साइंटिस्ट का नेम है पंचानन महेश्वरी, और इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे वर्क किया था. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ हमारा चैप्टर जो है वो शुरू होता है. आवर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हम शुरू करते हैं. जैसा कि आपको पता है रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. It's asexual and sexual reproduction, and each and every organism can live only for a certain period of time, and this period from birth to death, natural death, is known as lifespan. So lifespan is basically ki kitne time tak banda, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म जीता है उसकी नेचुरल डेथ तक, जब वो बूढ़ा होके मरेगा तब तक. सो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना कुछ खास नहीं दिया हुआ, ये कुछ बताया हुआ है. हम मेन मेन टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है. जैसे कि एक मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अ पीपल ट्री, बिकॉज द पीपल ट्री इज़ वेरी लार्ज ट्री. उसके अलग अलग जगह से रूट्स, स्टेम के अंदर से भी रूट्स निकलती है उसकी, उन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं. एंड दैट रूट्स गो इन टू द फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड इन द ग्राउंड विच हेल्प दैट ट्री. सो पीपल ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ मच ग्रेटर देन मैंगो ट्री. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सो दिस इज़ द नेक्स्ट पेज. यहाँ पर हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स की पिक्स दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, और उनका लाइफ स्पैन दिया गया है. सो यहाँ पर जैसे लाइफ स्पैन कुछ ऑर्गेनिजम्स का दिया गया है हमें, जिसे कि जिसे आपने आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि पैरट. पैरट एक छोटा सा बर्ड होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है पिस्टिकुला, और ये फ्रूट्स पे फीड करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. इसे कुछ भी मिल जाए फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, तो उसके ऊपर ये फीड करता है. और The lifespan of the parrot is 140 years. It's very much apni jo humans ki lifespan hoti hai, that is approximately around 70 to 80. Usse zyada lifespan hoti hai parrot ki, which is 140 years, which is very big. Meri khayal se ye लार्जेस्ट लिविंग सॉरी लॉन्गेस्ट लिविंग बर्ड है इन द बर्ड
स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स बताई गई है और क्रो की 15 ईयर्स। देख लीजिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्रो एंड द पैरेट। यहाँ पर क्रो की सिर्फ 15 है और यहाँ पर पैरेट की 140 ईयर्स है। कितना बड़ा डिफरेंस है। टोर्टोइस की, जिसे लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, उसकी भी पैरेट के इक्वल ही है, विच इज़ 150 ईयर्स। और एक बनियन ट्री की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 100 ईयर्स ही इसकी लाइफ स्पैन को माना जाता है। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। हेयर रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। वन ऑर्गेनिज्म से एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और उन दोनों में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होंगी, मतलब वो एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे, एक दूसरे से सिमिलर होंगे, ठीक है। और फिर वो ऑफस्प्रिंग जो है वो मैच्योर होंगे और मैच्योर होके वो दूसरे ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करेंगे। एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपली बिल्कुल आसान है। और रिप्रोडक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोज टू पार्ट्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, इट इज़ नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट व्हेन द टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस देन इट इज़ कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक सिंगल पेरेंट से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये देखिए, यहाँ पे ये एक अमीबा दिया गया है। अमीबा, अमीबा से आप सब कुछ सब फैमिलियर हैं। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर है। वहाँ से अब इसने डिवाइड करना शुरू किया विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ गैमीट। इसने सिंपली जो है उनका ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज, जो भी सेल का कंपार्टमेंट है, न्यूक्लियस वगैरह, सब कुछ डबल हो गया। यहाँ पे डबल होने के बाद विद द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जो कि स्मॉलर देन थे फ्रॉम द पेरेंट सेल। वो जो ऊपर था उसे पेरेंट सेल कहेंगे, पेरेंट सेल, और इन्हें कहेंगे डॉटर सेल, ठीक है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज हेयर नो एनी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस, टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब इसमें बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म जो कि मेल है, मेल को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। तो आप ये याद रखिएगा, इस सिंबल से हम मेल को डिनोट करते हैं। कहीं पर भी आपको मेल दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, और वन फीमेल को हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये अपना एक गैमेट फॉर्म करेगा और ये भी अपना एक गैमेट फॉर्म करेगा। वो दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और फिर उससे जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आई होप आपको
ये इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आगे फर्दर इस चैप्टर के पार्ट्स अलग वीडियो में बनाऊंगा, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।